तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू लेटेस्ट वीडियो ऑफ रोस्ट गेमिंग 2.0। गाइस कैसे हो आप लोग? फाइनली आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए कांस्टेंट 20 ms पिंग के वीडियो के साथ। और आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है ऐसा DNS सेटिंग, ऐसा APN सेटिंग जिसके बाद आपका कांस्टेंट 20 ms का पिंग आने वाला है। और ये चीज मैं आपको लिख करके दे देता हूं, तो ज्यादा वीडियो के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले YouTube की प्रथा सब्सक्राइब और लाइक, वो दोनों अगर तुमने नहीं किया है ना तो जल्दी से कर दो, क्योंकि मैं बाहर से वीडियो बना रहा हूँ तो आज मेरी ऑडियो भी हो सकती है तुमको थोड़ी सी अलग लगे और थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आएगा, तो इसके लिए सॉरी, बट सीधा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और भाई विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करो, तो लाइक शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और होम स्क्रीन पे आने के बाद सिंपली आपको सेटिंग के अंदर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको जाना है DNS के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पर DNS नहीं आता, आपका शो नहीं होता है, तो आप प्ले स्टोर पे से DNS चेंजर भी डाउनलोड कर सकते हो, ये भी सेम काम करने वाला है, ठीक है। आपके सामने DNS चेंजर भी मैंने दिखा दिया, तो आप लोगों को सिंपली DNS में आ जाना है, प्राइवेट DNS के अंदर, और इसको ऑफ पे होगा तो इसको ऑटो पे करके देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे अलग ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पे आपको प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम पे जाना है, और यहाँ देख सकते हो DNS.Google लिखना है, और इससे आप लोगों में से 90% लोगों का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट अभी भी काफी सारे लोग होंगे जिनका यह प्रॉब्लम कर रहा होगा, तो उसको कैसे फिक्स करना है चलो उसको भी मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए एक अलग सा भी DNS आता है जो कि Cloudflare के तरफ से आता है, तो चलो वो वाला DNS भी मैं डाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ, और वो वाला DNS भी आप ट्राई कर सकते हो, या फिर ये DNS.Google को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक ना एक आप में 100% वर्क करेगा और आपका पिंग 20 ms कॉन्स्टेंट आने वाला है। तो गाइस जैसा कि अभी आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये हमारा Cloudflare का DNS cloudfire/dns.com, ठीक है। आपको इसको भी कॉपी करके मैं दिखा देता हूँ, दोनों ही DNS आपको मैंने ऐसे दिखा दिए है। आपको यहाँ पे जाकर के इस वाले DNS को भी डाल करके देख लेना है, और भैया इन दोनों DNS में से आपका कोई एक ना एक DNS 100% वर्क कर जाएगा, और इन दोनों DNS में से आपका ये जो पिंग का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी DNS ट्राई कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पे DNS.Google काफी अच्छा काम करता है, तो मैं यहाँ पे DNS.Google करके सेव कर लेता हूँ। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक बोनस टिप भी देता हूँ, आपको सर्च करना है APN, और APN सर्च करने के बाद आपके सामने आ जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम। आपको एक्सेस पॉइंट नेम के अंदर जाना है, और अपना इंटरनेट के अंदर जा करके, और आपको यहाँ पे जो सर्वर है ना, यहाँ पे www.google.com रख लेना अगर DNS गूगल का यूज कर रहे हो, और अगर Cloudflare का भी कर रहे हो तो भैया उसको ब्लैंक रहने देना, या फिर google.com रख करके चेक कर सकते हो, ठीक है। बट अगर गूगल का कर रहे हो तो भैया डेफिनेटली सर्वर में google.com लिख लेना, और उसके बाद भाई आप लोग को सिंपली नीचे आके APN प्रोटोकॉल को अगर कुछ भी अगर आपका छेड़खानी करते हो, नेट बंद हो जाता है तो मत करना, अगर नेट बंद नहीं होता है तो इसको IPv4 और नीचे वाले को IPv6 कर लेना, बियरर को अनस्पेसिफाइड सेट आके LTE करके ओके कर देना है, और नीचे मोड पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। आपको ये काम करना है, आपका यहाँ पे APN और DNS दोनों चेंज हो चुका है, और फाइनली आपका जो पिंग आएगा वो कॉन्स्टेंट 20 ms आने वाला है, इसमें कोई भी दुविधा आपको नहीं होने वाली है। और भैया अगर ये ट्रिक तुमको पसंद आई तो प्लीज से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि ऐसे ट्रिक्स बनाने में बहुत टाइम लगता है।